हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता अपने योगी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेश टेंडर कोकोनट आइसक्रीम। ये नेचुरल टेंडर कोकोनट आइसक्रीम बनाना घर पे बहुत ही इजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम टेंडर कोकोनट आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन ऑल पे क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर करें। कोकोनट आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ फ्रेश नारियल लिया है, और आइसक्रीम बनाने के लिए इसकी ये जो सॉफ्ट टेंडर मलाई है उसका मैं यूज़ करूँगी। वैसे मैंने जो नारियल लिया है इसकी जो मलाई है वो थोड़ी मोटी है, आप इससे पतली या इससे और मोटी मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आधा लीटर दूध की आइसक्रीम बनाने के लिए मैं यहाँ दो नारियल की मलाई का यूज़ कर रही हूँ, और ये दोनों नारियल का जो पानी निकला है इसे मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, उसे हम पी लेंगे। तो फिलहाल हम इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो चलिए अब ये दोनों फ्रेश नारियल की मलाई को मैं नारियल में से अलग कर लेती हूँ। ये नारियल की मलाई मोटी दिख रही है तो मैं इसे नाइफ से निकाल रही हूँ। अगर मलाई पतली हो तो आप इसे स्पून से भी निकाल सकते हो। आप देख सकते हैं मलाई बहुत ही गाढ़ी है, तो इसी तरह मैं दूसरे नारियल में से भी निकाल लेती हूँ। तो दोनों नारियल की मलाई निकालने के बाद अब ये मलाई के पीछे जो पतली से ब्राउन छिलकी है उसे भी हम रिमूव करेंगे। ये छिलकी को निकालना बहुत ज़रूरी है, अगर ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो आइसक्रीम में कड़वाहट आ सकती है, तो आप भी इसे ज़रूर से निकाल दीजिए। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने पूरी तरह इसे छील के क्लीन कर दिया है, अब ये अच्छा सा वाइट भी दिख रहा है। तो इसी तरह मैं ये सभी कोकोनट मलाई को पीछे की छिलकी को अच्छे से पिल ऑफ कर लेती हूँ। मैंने ये सभी मलाई को छील लिया है, तो अब इसे मैं अच्छे पानी से धो लूँगी, और धोने के बाद अब इसके हम छोटे छोटे पीस करेंगे। मलाई के छोटे पीस करने के बाद अब इसे मैं एक मिक्सी जार में डाल के इसकी डरडरी सी पेस्ट बनाऊंगी। तो इसे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, और इसमें मैं पीसते वक्त 2 से 3 टेबलस्पून कच्चा दूध डाल रही हूँ। आप चाहे तो वो कोकोनट जो पानी होता है वो भी डाल के पीस सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिर्फ दूध का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया है, मैंने इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। तो आपकी पसंद से इसे ज़्यादा बारीक भी पीस सकते हैं। अब दूसरा जो बचा है उसे भी मैं पीस लेती हूँ। तो दूसरी बार भी 2 से 3 टेबलस्पून इसमें दूध ऐड करके इसे पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने सभी मलाई को ऐसी डरडरी से पीस ली है। तो अब ये मलाई को मैं अभी फ़िलहाल साइड में रख देती हूँ। ये 150 से 200 ग्राम के करीब निकली है, तो ये सभी मलाई का मैं यूज़ करूँगी। अब ये जो दूध बचा है आधा कप जितना, इसमें हम स्लरी तैयार करेंगे। तो स्लरी तैयार करने के लिए मैं इसमें दूध को गाढ़ा करने के लिए 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। पाउडर मैंने टेबलस्पून के हिसाब से लिया है। तो अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर रही हूँ। तो दोनों चीज़ें मैंने टेबलस्पून के अनुसार ली है। अब ये दोनों पाउडर को मैं ये दूध में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अगर आप GMS और CMC पाउडर का यूज़ करना चाहते हो तो आप इस टाइम पे इसे ऐड करके मिक्स कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये स्लरी को हम बिना लम्ब्स के तैयार कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने पाउडर की स्लरी बना दी है। तो चलिए अब हम कोकोनट आइसक्रीम के बेस बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, तो इसे मैं हाई फ्लेम पे रख रही हूँ। एक उबाल आने तक इसे हम उबालेंगे। तो दूध में उबाल आ गया है, अब मैं इसे एक बार हिला लेती हूँ चम्मच से। इसे चम्मच से हिलाने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे, और इसमें मैं 4 टेबलस्पून चीनी ऐड करूँगी। तो चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून चीनी डाली है। वैसे आधा लीटर दूध के अकॉर्डिंग 4 टेबलस्पून चीनी काफ़ी है, तो इसे ये चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद हमने जो ये पाउडर स्लरी तैयार की है उसे मिक्स करेंगे।
तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो ये स्लरी को एक बार फिर से हिला देते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो होता है वो तले में बैठ जाता है। तो हिलाने के बाद इसे तुरंत ही हम ऐड करेंगे और तुरंत ही स्पेचुला चलाएंगे और इसे लगातार हम 1 मिनट स्टर करेंगे। इसे स्टर करने के बाद इसमें अब हमने जो ये कोकोनट पेस्ट तैयार की है उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे भी हम स्पेचुला से दबाते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए इसे मिलाएंगे और इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो इस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखनी है और लगातार चम्मच चलाते हुए इसे हमें पकाना है। जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब तक इसे हम लगातार स्पेचुला चलाते हुए पकाएंगे। दूध में स्लरी और कोकोनट पेस्ट को मिलाने के 3-4 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हो कि अब ये गाढ़ा हो रहा है। तो बस अब हम इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रखेंगे। रूम टेम्परेचर पर बेस को ठंडा करते वक्त भी हम बेस में चम्मच चलाएंगे ताकि उस पर जो मलाई की परत जमती है वो जम ना पाए। फ्रेंड्स, अगर आप गरम दूध में कोकोनट मलाई ऐड करना नहीं चाहते हो तो आप जब ये बेस रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद भी उसमें आप ये कोकोनट मलाई ऐड कर सकते हो। तो अब ये कोकोनट आइसक्रीम बेस रूम टेम्परेचर पे आ गया है और पहले से थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम सेमी फ्रिज करेंगे। बेस को सेमी फ्रिज करने के लिए आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, पर वो बिल्कुल एयर टाइट बंद होना चाहिए। मैं यहाँ एक प्लास्टिक कंटेनर ले रही हूँ। तो मैंने आइसक्रीम बेस को कंटेनर में भर लिया है। अब इसका लिड लगा के एयर टाइट बंद करके ये बेस को मैं 4-5 घंटे के लिए सेमी फ्रीज करने के लिए रख देती हूँ। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी जमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब 5 घंटे के बाद अब मैं यहाँ सबसे पहले एक बॉल लिया है। ये बॉल को मैंने 15 से 20 मिनट फ्रीज़र में ठंडा कर लिया है ताकि इसमें जो मलाई फेंटूंगी तो वो बॉल ठंडा होने की वजह से क्रीम गर्म नहीं होगी। तो आप भी ऐसा गर्मी के मौसम में ज़रूर करें। तो मैं यहाँ पे 250 ml के 2 कप नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ, यानी कि 500 ml क्रीम का मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम में शुगर ऐड होती है, तो अगर आप नॉन डेरी क्रीम की बजाय डेरी क्रीम का यूज़ करते हैं जो बिना शुगर की होती है, तो उसमें आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग और क्रीम के अकॉर्डिंग उसमें पाउडर शुगर ऐड कर सकते हो। तो ये क्रीम को मैं अब फेंट लेती हूँ। ये क्रीम को हमें तब तक फेंटना है जब तक इसमें स्टीप पिक आ जाए, तब तक ये क्रीम को हम फेंटेंगे। अगर आपकी ये क्रीम तेज़ी से पिघल रही हो तो ये बॉल के नीचे एक आइस भरा बॉल जरूर रखें, उसके बाद आप ये क्रीम को फेंटें। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्रीम अच्छे से फेंट ली है, स्टीप पिक पे आ गई है। अब ये क्रीम को मैं अभी साइड में रख देती हूँ और हमने जो कोकोनट आइसक्रीम बेस बनाया था उसे मैंने अब निकाल दिया है। ये मेरा कुछ ज़्यादा ही जम गया है तो इसे मैं पहले चम्मच से इसे के पीसेस कर देती हूँ। तो ये पीस को चम्मच से पीस करने के बाद मैं इसी कंटेनर में 1 मिनट बीटर से ये बेस को फेंट लेती हूँ ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए और क्रीमी सा दिखने लगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है, ये स्मूथ हो गया है। अब ये बेस को मैं वो जो हमने क्रीम फेंटी है उसमें इसे मिक्स करेंगे। तो आइसक्रीम बेस को मैंने क्रीम के साथ मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें आधी टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ। अगर आपके पास कोकोनट एसेंस हो तो वो आप उसे डाल सकते हैं, आधी टीस्पून। वनीला एसेंस डालने के बाद अब मैं इसमें 3-4 बूंद गुलाब जल के डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे डालना पसंद नहीं करते हो तो ना डालें। अब ये सभी चीज़ों को मैं भीतर से अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ा फेंट लूँगी।
फ्रेंड्स, सभी सामग्री को डालने के बाद बर्तन मेरा छोटा पड़ गया है, ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है और ये थोड़ा सा बाहर भी निकलने लगा है, तो मैं इसे एक बड़ी सी पतीली में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ताकि इसे मुझे मिक्स करने में आसानी हो। तो आप भी पहले से ये ध्यान रखें, थोड़ा बर्तन बड़ा ही लीजिए जिससे आपको ये परेशानी ना हो। तो मैंने इसे एक बड़ी सी पतीली में खाली कर लिया है, अब इसे मैं अच्छे से भीतर से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारी फ्रेश टेंडर कोकोनट आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया दिख रही है। तो इसे मैं अब एक एयरटाइट कंटेनर में पोर करूँगी। आप आइसक्रीम को कोई भी बर्तन में भर के जमा सकते हो, पर उसे आप पूरी तरह एयरटाइट बंद जरूर करें ताकि उसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल ना आए। तो फ्रेंड्स, मैंने एयरटाइट कंटेनर में पूरी आइसक्रीम को भर लिया है। अब इस पर मैं एक सिल्वर फॉयल से कवर करूँगी, पर फॉइल से कवर करने से पहले मैं इस पर चॉकलेट चंक्स से डेकोरेट कर रही हूँ। आप आपकी पसंद से इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट या नट भी डाल सकते हो। तो डिब्बा मेरा पूरा ऊपर तक भर गया है और चंक्स भी मैंने डाले हैं। अब इस पर मैं फॉइल से कवर कर देती हूँ। तो कवर करने के बाद इसे पूरी तरह इसे एयरटाइट बंद करेंगे और उस पर इसका लीड लगा के उसे और टाइट एयरटाइट बंद करेंगे और हम इसे फ्रीज़र में रखने से पहले फ्रीज़र का लेवल बढ़ा देंगे और इसे 10 से 12 घंटा फ्रिज होने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, 12 घंटे के बाद अब टेंडर कोकोनट आइसक्रीम अच्छे से जम गई है। तो चलिए मैं इसे आपको सर्विंग बाउल में सर्व करके दिखाती हूँ। तो सिल्वर फॉइल को पहले हम हटाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा डिब्बा पूरा ऊपर तक भरा हुआ था और उस पर मैंने चंक्स डाले थे और फॉइल लगाने से और डिब्बे का लीड लगाने से वो थोड़ा दब गया है, चंक्स मेरे ऊपर दब गए हैं। तो मैं अब इसे सर्व कर रही हूँ। तो सबसे पहले आइसक्रीम को स्कूप आउट करने से पहले स्कूपर को आप पानी में गीला ज़रूर करें ताकि आइसक्रीम जो है हमारी स्कूपर में चिपकेगी नहीं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टेंडर कोकोनट आइसक्रीम मेरी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जमी हुई है। ये कितनी वाइट दिख रही है, बिल्कुल कोकोनट जैसी दिख रही है। कोकोनट कैसा वाइट दिखता है, ऐसे प्योर वाइट कलर आया है इसका। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी? टेंडर कोकोनट आइसक्रीम आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें और रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर से भी इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। Thank you so much guys for watching my video.